पहनने वालों पहन, मेरे को ही पहनने भी की है। हमको नहीं चाहिए पहन, कहीं और जाकर बैठो। पेन ले लो, पेन पेन ले लो, पेन 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 ले लो, पेन आज तो मेरी कोई भी पेन नहीं बिकी। पेन ले लो, पेन पेन ले लो, पेन 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 ले लो, पेन पेन ले लो भैया। क्यों रे, तुझे मुझसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? पहले ये बता, तू कौन समाज है? हम लोग दलित लोग हैं। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तूने मुझे छू लिया, हाथ गंदा कर दिया। अब मुझे घर जाकर नहाना पड़ेगा, पूरा दिन खराब कर दिया बेवकूफ कहीं का। जाओ और कहीं जाकर पहन बेच, अब मुझे नहाना पड़ेगा। दादी दादी पेन ले लो। वो नहीं चाहिए बेटा, पेन में क्या कराऊंगी? आपके बच्चों को दे देना। बच्चे नहीं है, पढ़ बेगा है, बैठा रहे भी लेंगे। मैं नहीं ले रही, ले जा तू। दादी दादी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मैंने 5 दिन से खाना नहीं खाया, पेन ले लो। नहीं ले रहे भैया, मुझे नहीं चाहिए पेन में, तू तो भाग जा। दादी ले लो ना पेन, भूख लग रही लगी रही है भैया, हटा तू तो अपनी पेन में, मुझे नहीं चाहिए। वो गिर गा उठा ले तेरे पेन में, मुझे नहीं चाहिए। मेरी पेन ले लो दीदी। अरे बेटा मुझे ना पेन वैन नहीं चाहिए, तुम ना कहीं और जाके बेचो। मेरे बच्चे के पास ना ऑलरेडी बहुत सारे पेन हैं, ठीक है कहीं और जाके बेचो। जाओ भैया पेन ले लो, मेरी कोई ने पेन नहीं ली है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। यार और किसी को बांट दो। हम गलत है तो क्या हुआ, हम इतने बुरे लोग हैं? कोई भी हमसे प्यार क्यों नहीं करता? हम दलित लोगों को क्यों भगा देते हैं? दीदी दीदी कुछ खाना दे दो, हम 2 दिन से भूखे हैं, नहीं तो कुछ काम दे दो। नहीं मेरे पास खाना है, नहीं मेरे पास कोई काम है, जाओ यहाँ से। खाना जा दो, जा जाओ यहाँ से, हमारे पास कुछ नहीं है। दे दो भैया, दे दो खाना, 2 दिन से नहीं। जाओ जाओ हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चा भूखा है, प्लीज दे दो कुछ तो, दे दो 10 रुपए ही दे दो, 5 रुपए। हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ दे दो, तुम्हारा भगवान भला करेगा, दे दो बेटा। हमारे पास कुछ नहीं है। मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दो ना, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, दो ना। अरे बेटा क्या करूँ मैं, कितने घरों में फिर आई, कितने लोगों के आगे हाथ जोड़ लिए, खाना ही नहीं मिल रहा, क्या करें, नसीब का क्या लिखा है पता भी नहीं, मैं क्या करूँ बेटा। पानी पी लो, तुम्हारी थोड़ी भूख शांत हो जाएगी, और भगवान करेगा तो मिलेगा बाका थोड़ा बहुत, और चलते हैं कहीं और कोशिश करते हैं मिल जाए कुछ खाना। चलो बेटा भैया भैया खाना जा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। खाना वाना कुछ नहीं, यहाँ पर आगे जाके खाओ, मांगो चलो। अरे बेटा दे दो कुछ, कुछ ना कुछ तो दे दो, कुछ भी नहीं है, आगे जान के मांगो। अरे भैया तुम्हारे घर में कुछ काम हो तो काम ही दे दो, हम काम कर लेंगे, ताकि रोटी तो मिल जाए, दो भक्ति। काम वाम नहीं है, आगे जान के मांगो काम। मेरा बेटा बहुत भूखा है, तो दोनों से खाना नहीं खाया। नहीं मेरे पास कोई काम वाम नहीं है, आगे जान के काम मांगो। मदद करो गरीब की, भगवान तुम्हारा भला करेगा। नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे हम, आगे जान के काम मांगो। ये आलू की सब्जी तो हम पहले आए, अभी तो बनाई थी ये आलू की।
सब्जी, कितनी गंदी सब्जी है ये। बेटा 5 ही दिन तो हुए हैं, 5 दिन पहले बनाई थी आलू की सब्जी और कितनी अच्छी है, क्या खराबी है इसमें, कितनी अच्छी। मुझे गंदी लग रही है, मैं नहीं खाऊंगा इसे। खा लो बेटा, पता है ये खाना कई लोगों को नसीब नहीं होता है यही खाना, और तुम्हें इतना गंदा लग रहा है, खाओ इसको। नहीं मैं नहीं खा रहा ये खाना। हे भगवान, ये भी ना पता नहीं कब सुधरेगा, कितने अच्छे खाने को बुरा बता रहा है। एक काम करती हूँ, ये सब्जी को ना मैं फ्लश में डाल देती हूँ, अब कौन खाएगा इस खाने को, मेरे घर में तो ऑलरेडी कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये सब्जी को ना फ्लश में डाल देती हूँ और ये रोटी को ना मैं बाहर किसी जानवर को डाल के आ जाती हूँ। अरे आपने ये पूड़ी क्यों उठा ली, ये तो अभी मैंने घूरे पे डाली थी, ये तो वही पूड़ी है, और ये कितनी लिपटी हुई पूड़ी खा रहे हैं आप। अरे क्या कर रहे हैं बेटा, कहीं पे खाना नहीं मिल रहा सही, सब में घूम कर देख लिया, मांग कर देख लिया, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, इसलिए उठा ली और खा ली बेटा, क्या करें। वैसे एक बात कहूँ आपको, मेरे ना घर पे ना एक काम वाली भाई की जरूरत है, मेरे घर में ना काम वाली भाई नहीं है, तो अगर आप बुरा माने, बुरा ना माने तो क्या मेरे घर में काम करना पसंद करेंगी? इंजीनियरिंग करना पसंद करेंगे, करेंगे काम जरूर करेंगे बहन जी, हमें काम। और ये ना ऐसी पूड़ी खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको तनख्वाह दूंगी तो आप उस तनखे से अपना घर चलाना। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान आपका कभी भी नहीं भूलूंगी। हाँ लाओ ये पूड़ी मुझे दे दो, इसको ना मैं जानवरों को डाल देती हूँ, जानवर आके खा लेंगे, ठीक है, आपसे आपको ऐसी पूड़ी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा तुम मेरे बेटे के साथ खेलना और पढ़ाई भी करना, वो भी स्कूल जाता है, ठीक है। चलिए आप मेरे घर पे, आज से आप झाड़ू पोछा बर्तन घर के सारे काम करना, चलो मालकिन सब काम करेंगे। चलिए यहीं पास में है मेरा घर। मालकिन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको काम दे दिया। सारा घर धोना पड़ेगा, आप निकालो इन्हें यहाँ से बाहर। कपिल ये तुम कौन से जमाने में जी रहे हो, तुम्हें पता नहीं आज का टाइम कितना आगे निकल गया है? हाँ हम किस सदी में जी रहे हैं तुम्हें ये भी नहीं पता? ये लोग भी ना वही इंसान है जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर भी खून है, वैसा ही खून इनके अंदर भी है, ये भी इंसान है, भगवान ने सभी को बराबर बनाया है,
बस फर्क सिर्फ इतना है, भगवान ने किसी को गरीब बनाया है तो किसी को अमीर। तुम्हें पता है जो तुम दो वक्त की रोटी खाते हो और ये जो कपड़े पहनते हो, ये जो घर की बाकी की सारी चीजें यूज करते हो, इनके पीछे इन जैसे गरीबों का ही हाथ होता है। अगर इन जैसे लोग काम नहीं करते ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें नसीब नहीं होती। जिस घर की छत के नीचे तुम रह रहे हो ना, ये सिर्फ इन्हीं जैसे लोगों की बनाई हुई देन होती, वरना अमीर लोग कोई काम नहीं करते। हाँ, गरीबों का शुक्र करो कि इनकी वजह बदौलत हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं हम, सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। निकल इधर आओ, बैठो, निकल, मुझे माफ कर दो, मैं सोचता था गरीब लोग बहुत गंदे होते हैं। ऐसे तुम मेरे दोस्तों अपन मिल के रहा करेंगे, साथ में स्कूल जाया करेंगे, साथ में पढ़ा करेंगे, ऐसे तुम मेरे दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काम देने। अरे कोई बात नहीं, तुम जैसे लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा भी क्या होगा। ठीक है, तुम मेरे घर पे रोज आना काम करना आप। ठीक है, ठीक है, मैं हो जाया करें। जाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।